स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ MCQs हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला हमारा प्रश्न है, प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित है। अब देखिए, प्रकट अधिमान सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, या हिंदी में इसको उद्घाटित अधिमान सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये जो सिद्धांत है, एक तो क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है, दूसरा है कि इसमें केवल चयन की एक ही क्रिया की बात की गई है, और फिर सबल मजबूत क्रम पे आधारित हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पे ये आधारित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है वो इन तीनों पे आधारित हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है, सैमुएलसन ने मांग के नियम का व्युत्पादन किया है। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत के आधार पर सैमुएलसन जो हैं, उन्होंने मार्शल के मांग के नियम को व्युत्पन्न किया है कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसके लिए सैमुएलसन ने जो मांग की आय लोच है उसको धनात्मक माना है। ए ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है, प्रोफेसर किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में ब्याज के सापेक्ष मुद्रा की पूर्ति होती है। तो प्रोफेसर किन्स ने क्या बताया कि मुद्रा की पूर्ति जो है किसी अर्थव्यवस्था में जो देश का मौद्रिक प्राधिकरण होता है, केंद्रीय बैंक होता है, भारत के संदर्भ में जैसे रिजर्व बैंक हैं, तो मुद्रा की पूर्ति उनके द्वारा की जाती है, तो ब्याज की दर से ये प्रभावित नहीं होती हैं। इसलिए पूर्ति वक्र जो होता है, मुद्रा की पूर्ति वक्र वाई अक्ष के समानांतर होता है, जिसको कहा जाता है पूर्णतया बेलोजदार। नेक्स्ट हमारा है, लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान है। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर बोल्डिंग हैं, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन हैं, इन्होंने क्या बताया, लगान उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त हो सकता है। जबकि रिकार्डो ने क्या बताया कि लगान केवल भूमि को ही मिलता है। अब आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, लगान जो है एक साधन की वर्तमान आय, या जिसे हम वास्तविक आय भी कह सकते हैं, और हस्तांतरण आय जिसे वो किसी अन्य प्रयोग में कमा सकता है, उन दोनों का अंतर होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, वास्तविक आय और हस्तांतरण आय का अंतर। नेक्स्ट है, लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार साधनों की पूर्ति पूर्णतया बेलोजदार होने पर लगान प्राप्त होगा। तो साधनों की जो पूर्ति है अगर पूर्णतया बेलोजदार हैं, तो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार वो उत्पादन का जो साधन है एक तरह से क्या होगा, पूर्णतया विशिष्ट होगा। और पूर्णतया विशिष्ट साधन की पूर्ति क्या होती है, पूर्णतया बेलोजदार होती है। ठीक है, पूर्णतया बेलोजदार किसकी पूर्ति होती है, जो साधन पूर्णतया विशिष्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी वर्तमान आय के बराबर लगान प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि विशिष्ट साधनों की हस्तांतरण आय क्या होती है, शून्य होती है। इसलिए हमारा ए ऑप्शन, क्योंकि लगान कैसे ज्ञात करेंगे हम, वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। पूर्णतया बेलोजदार साधन है तो उसकी हस्तांतरण आय शून्य, इसलिए लगान किसके बराबर होगा, वर्तमान आय के बराबर होगा। नेक्स्ट है, अल्पाधिकार में औपचारिक समझौता कहा जाता है। तो देखिए, अल्पाधिकार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फर्म में जो होती है समझौते दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। अब देखिए, औपचारिक समझौते के अंतर्गत क्या होता है, कि जब बाजार में कुछ फर्में विद्यमान है, वो आपस में अपना कोई समझौता कर लेती है, एग्रीमेंट कर लेती हैं, तो जिसको हम क्या कहते हैं, गठबंधन अल्पाधिकार कहते हैं, कोलिजिव ओलिगोपोली, या जिसको हम कह सकते हैं कपट संधि अल्पाधिकार। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट हमारा है, अल्पाधिकारी सिद्धांत के अनुसार प्रधान फर्म वह है जिसकी वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं होता है, जिसकी वस्तु की कीमत बाजार में सबसे कम है, जिसकी वस्तु का बाजार में कम भाग हो, जिसकी वस्तु का बाजार में अधिक भाग हो। तो अल्पाधिकारी सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो प्रधान फर्म किसे कहा जाता है, जिस के द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार में अधिक भाग उस उत्पादक के पास में है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे डी ऑप्शन हमारा।
नेक्स्ट हैं विकास की वह दर जो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित हैं, तो हेरड डोमर मॉडल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो जो प्राकृतिक वृद्धि दर है उसको क्या, उसका जो संबंध है वो जनसंख्या में वृद्धि और जो तकनीकी सुधार हैं उसके साथ में होता है, ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ जो है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जब हम हेरड डोमर मॉडल का अध्ययन करते हैं तो हेरड डोमर मॉडल के अनुसार अर्थव्यवस्था में जो मंदी की स्थिति वो कब उत्पन्न होती है, जब अभीष्ट वृद्धि दर GW जो है अगर वो प्राकृतिक दर से GN से अगर ज़्यादा होती हैं या फिर एक्चुअल रेट से भी अगर ज़्यादा होती है, वास्तविक विकास दर से अगर अभीष्ट विकास दर ज़्यादा हैं या प्राकृतिक विकास दर से अभीष्ट विकास दर ज़्यादा होती हैं, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए हमारा ए एवं बी दोनों ऑप्शन हैं। और जब GA ज़्यादा है GW से, ठीक है, जो एक्चुअल रेट है वास्तविक दर है अगर वो अभीष्ट वृद्धि दर से ज़्यादा होती हैं, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है सोलो मॉडल में पूंजी श्रम अनुपात माना गया है, अब देखिए हेरड डोमर मॉडल की एक कमी थी कि उसमें पूंजी श्रम अनुपात को स्थिर माना गया है, तो फिर सोलो ने अपने मॉडल में पूंजी श्रम अनुपात को परिवर्तनशील मानकर आर्थिक विकास की व्याख्या की है। नेक्स्ट है रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्रियाशील होता है, तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री वो क्या मानते थे कि जब अर्थव्यवस्था में सरकार का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं में अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तो पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ये जो संतुलन है मांग और पूर्ति का वो अपने आप स्थापित हो जाए, इसका मतलब जो अर्थव्यवस्था की उन्होंने कल्पना की वो कौन सी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट हैं रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक सामान्य स्थिति है, अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है, स्वयं समायोजित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, नकद मजदूरी में कटौती द्वारा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, तो ये ए ऑप्शन हमारा कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र थे वो क्या मानते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है, ठीक है, बेरोजगारी की स्थिति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक विकास के आर्थर लुईस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए, इसमें इसे श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, आर्थर लुईस या लेविस जो कहा जाता है उनके द्वारा जो आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया गया है उसे हम श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत कहते हैं। दूसरी बात है इसके अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में श्रम की अधिकता पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने क्या बताया कि जो कृषि क्षेत्र हैं जीवन निर्वाह क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा है उनमें श्रम की अधिकता पाई जाती है। और तीसरा आर्थिक विकास हेतु जीवन निर्वाह क्षेत्र से श्रमिकों को हटाकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो पहला और तीसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं कहा, किसके लिए कहा है, कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र को जीवन निर्वाह क्षेत्र कहा जा सकता है और पूंजीवादी क्षेत्र किसको कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को। नेक्स्ट हमारा है रिकार्डो के अनुसार लगान है, तो रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत था जिसके अनुसार लगान किसको मिलता है, भूमि को, और क्यों मिलता है, क्योंकि भूमि की जो उपजाऊपन है उर्वरा शक्ति उनमें अंतर पाया जाता है, अच्छी भूमियाँ होती हैं कुछ भूमियाँ खराब होती हैं, इसलिए लगान को क्या कहा जाता है, भेदात्मक बचत। नेक्स्ट हमारा है फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में संबंध होता है, तो फिशर का जो सिद्धांत है मुद्रा परिमाण का, तो फिशर ने क्या बताया कि मुद्रा की मात्रा और कीमत में
प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है। मतलब मुद्रा की मात्रा बढ़ने के साथ साथ में कीमत स्तर बढ़ता है, और जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी उसी अनुपात में कीमत स्तर बढ़ेगा। मुद्रा की मात्रा दुगुनी होने पर कीमत स्तर भी दुगुना हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध। नेक्स्ट है, यदि मुद्रा का चलन वेग 5 तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति 100 करोड़ रुपए हो तो कुल चलन मुद्रा पूर्ति कितनी होगी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, चलन वेग क्या दर्शाता है, एक निश्चित समय में जो मुद्रा चलन में है अर्थव्यवस्था में वो कितना लेन देन का काम करती है। तो अर्थव्यवस्था में चलन मुद्रा जो है वास्तविक वो कितनी है, 100 करोड़ रुपये, और चलन वेग कितना है 5, तो हम कहेंगे कि कुल जो मुद्रा की पूर्ति है वो कितनी होगी, 100 × 5 इक्वल टू हो जाएगा 500 करोड़। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि के समरूप उत्पादन फलन का संबंध है। तो प्रथम कोटि के समरूप उत्पादन फलन का संबंध पैमाने के स्थिर प्रतिफल से होता है, जिसके अनुसार जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। नेक्स्ट है, परेटो अनुकूलतम के अनुसार कौन सी बाजार संरचना अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति में सहायक हैं। तो पर्यटन अनुकूलतम की शर्तें वो क्या बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, बाजार किस प्रकार का है, पूर्ण प्रतियोगिता, तो पूर्ण प्रतियोगिता की जो स्थिति होती है वो अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है, पर्यटन अनुकूलतम के अनुसार वस्तुओं के अनुकूलतम वितरण की शर्त हैं। अब देखिए, वस्तुओं का जो अनुकूलतम वितरण है जिसको हम विनिमय की इष्टतम शर्त भी कह सकते हैं, ठीक है, जो उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है उनसे संबंधित हैं, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जो वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है उनकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS XY सभी व्यक्तियों के लिए समान होनी चाहिए। ठीक है, ए व्यक्ति के लिए जितनी उतनी ही बी व्यक्ति के लिए, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन डी, MRS XY ए व्यक्ति के लिए, ए उपभोक्ता के लिए बराबर होनी चाहिए, MRS XY बी उपभोक्ता के लिए। नेक्स्ट है, वह बजट जो कार्यों के परिणामों को आधार मानकर निर्मित किया जाता है, कार्यों के परिणामों को आधार मानकर अगर बजट बनाया जा रहा है तो उसको कहा जाता है निष्पादन बजट या आउटकम बजट भी कह सकते हैं। जबकि शून्य बजट प्रणाली में शुरू से प्रारंभ से लेकर नया बजट बनाया जाता है, जिसको हम सूर्यास्त बजट प्रणाली भी कहते हैं। जेनरिक बजट में जैसे क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जाता है, वो परंपरागत बजट या जिसको हम आम बजट भी कहते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत संबंधित हैं, अवसर लागत से, निरपेक्ष लागत से, साधन संपन्नता में अंतर से, तुलनात्मक लागत में अंतर से। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधुनिक सिद्धांत है वो इनमें से किससे संबंधित हैं।